नमस्कार। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की है, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जो इस वक्त खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। खबर ये कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश की है। पुलिस ने इस बारे में डिटेल जानकारी दी है और पुलिस ने बताया है कि देर रात पीसीआर पर एक कॉल आई। कॉल में बताया गया कि एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। फौरन भागी भागी पुलिस जब गई तब देखा कि वो बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद हैं। उन्हें फौरन सफदरजंग अस्पताल लाया गया जहाँ उनकी सांसें चल रही थी। कांता प्रसाद की जो पत्नी बादामी देवी है, उन्होंने पुलिस को बयान दिया था कि बहुत दिनों से तनाव में चल रहे थे और अब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। हालांकि देर रात जब वो सोए थे उसके बाद तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। खबर तो ये भी आई है एक चैनल के हवाले से कि सोने से पहले बाबा कांता प्रसाद ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कांता प्रसाद को तुरंत सफदरजंग अस्पताल में एडमिट किया गया जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और फिलहाल पुलिस आत्महत्या की कोशिश के नज़रिए से ही इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गौरतलब है कि आप सबको पता होगा बाबा का ढाबा तब बहुत प्रचलित हो गया था, बहुत फेमस हुआ था और कांता प्रसाद तब बहुत वायरल हुए थे जब गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर उनकी दुकान पर पहुंचे और रो रो कर बाबा ने अपनी बात बताई थी, अपनी तकलीफ़ बताई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे और बेटियाँ सब हैं लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता और बहुत मुश्किल से उनका परिवार चल रहा है। लॉकडाउन में लोग आ नहीं रहे थे जिससे उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो गई, जिसके बाद क्राउड फंडिंग के जरिए गौरव वासन ने उनके लिए पैसे जुटाए। बाबा को लोगों ने पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने सपोर्ट किया और अब खबर ये आए उसके बाद खबर आई कि बाबा ने एक नया रेस्टोरेंट खोल दिया। हालांकि गौरव वासन के साथ बाद में पैसों के लेन देन को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ, जिसमें बाद में कांता प्रसाद ने खुद गौरव वासन से माफ़ी भी मांगी। अभी हाल ही फिलहाल वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें गौरव वासन और बादामी देवी और कांता प्रसाद तीनों एक तस्वीर में नज़र आ रहे थे। खबर ये भी आई कि जो पैसे क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा किए थे बाबा कांता प्रसाद ने, उससे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया था और इसी बीच क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। उन्होंने दो नौकर भी रख लिए, हेल्पर भी रख लिए और खुद उनके बेटे और बेटियां दोनों काम पर लग गए। कहा जाता है कि 2 लाख रुपए हर महीने का खर्च था और कमाई हो रही थी सिर्फ 15,000 रुपए की, जिससे बाद में सारे सामान जो रेस्टोरेंट के सामान थे उसे बेचना पड़ा और इससे तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये बाबा ने और जुटाए। बाद में उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा और ख़बर ये आई कि बाबा का ढाबा फिर से वापस ढाबे पर लौट आए हैं, जिसका हमने इंटरव्यू भी आपको दिखाया था, आप हमारे पेज पर जाकर देख भी सकते हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि उन्हें बचा लिया गया लेकिन अभी भी उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है बल्कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और लगातार डॉक्टर उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं।